Welcome to One Point Lesson. This is session 8. It is on hydraulic accumulator. Do you know what is accumulator? Hydraulic accumulator. Okay, we will discuss about the hydraulic accumulator. Before that, we discuss about our critical or logical thinking. We have completed about the topics like clarity, accuracy, precision. Precision and now the another thing is relevance. Relevance is the another today's topic. जब हम किसी भी चीज पे हम critical thinking कर रहे होते हैं तो हमारा main objective होता है कि उसमें जो चीज relevant है उनको हम identify करें और उन्हीं को हम logical thinking के लिए utilize करें. नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा इररिलेवेंट भी आता है, दैट वी नीड टू बी इग्नोर. एंड जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि हम लोग जब बचपन में हम लोगों का एग्जाम देना होता था तो बहुत सारे चीज जब फ्रेंड्स से बात होती थी तो वो बोलते थे कि भाई मैं तो ना 10 कॉपी भर के आ गया हूँ आंसर शीट की और मैं तो टॉप कर जाऊंगा. लेकिन टीचर जब वहां पे देखता है, टीचर वहां पे उसे इवैल्यूएट करता है तो उस पर केवल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही मार्क देते हैं और बाकी चीजों को जो इररिलेवेंट होती है उन्हें छोड़ देता है, उनके मार्क्स नहीं मिलते. तो लेकिन जो जो बेस्ट करता है उसको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है. जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने डिस्कस किया था, एलिवेटर पिच में भी हम लोगों ने बहुत स्पेसिफिक कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स के अंदर आपको अपनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करना. तो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द रिलेवेंस. सो रिलेवेंस मतलब कि हमें जो है इसमें हमें अपने कई बार जब हम रिलेवेंस आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा इमोशंस भी कई जगह पे आते हैं जिनको कि हमें बैलेंस करना होता है, जिसमें कि हमें रेलेवेंस जो है उसी के बारे में हमें बात करनी होती है. हमें वहां पे जो इंफॉर्मेशन है उसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ही आगे कैरी करना होता है. तो दिस इज अबाउट द टुडे सेशन एंड नाउ वी स्टार्ट द हाइड्रोलिक एक्युमुलेटर. हाइड्रोलिक एक्युमुलेटर हाइड्रोलिक एक्युमुलेटर आपने देखा होगा कई सारे मशीन्स में इस तरीके के हमारे एक्युमुलेटर्स लगे हुए होते हैं. इस तरीके के छोटे छोटे एक्युमुलेटर्स लगे हुए होते हैं जो कि हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम को पावरफुल करने के लिए यूज करे जाते हैं. हाइड्रोलिक एक्युमुलेटर इज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है एंड इसमें जो है एक रिजर्वायर होता है जिसमें कि हाइड्रोलिक फ्लूइड नॉन कॉम्प्रेसिबल हाइड्रोलिक फ्लूइड को हम उसके अंदर प्रेशराइज करते हैं थ्रू एक्सटर्नल सोर्स. अब ये नॉन कॉम्प्रेसिबल हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या होता है? नॉर्मली इट्स ए कॉम्प्रेस्ड गैस ऑफ लाइक नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन गैस जो होती है वही क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो जो है उसमें अंदर इनर्ट गैस होती है विच इज नॉट रिएक्टिव विद एनीथिंग. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है क्या हम ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं? तो ऑक्सीजन हम इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑयल होता है, ऑयल एंड ऑक्सीजन मिलके एक्सप्लोसिव की तरह भी काम कर सकते हैं. तो इसलिए इट में बी वेरी हजार्डस सिचुएशन. सो नॉर्मली वी यूज नाइट्रोजन ऑनली. द मेन रीजन ऑफ हाइड्रोलिक एक्युमुलेटर को जो हम यूज करते हैं इन हाइड्रोलिक सिस्टम दैट इसमें जो है एक जब आपको प्रेशर चाहिए होता है, प्रेशर को कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए एक्युमुलेटर एज ए एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज करती है और वो उसको उसका प्रेशर ड्रॉप नहीं होने देती. अगर हम उसी प्रेशर को अगर एक्युमुलेटर नहीं होगा तो हमें उसका पंप साइज बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि उतनी डिमांड एंड सप्लाई को वो दे सके, उतना प्रेशर उसके अंदर क्रिएट कर सके. तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम एक्युमुलेटर को यूज करते हैं. अब इसका एडवांटेजेस क्या होते हैं अगर देखेंगे तो फास्ट एक्टिंग,
कंटामिनेंट्स नहीं होते हैं इसमें, कंसिस्टेंट बिहेवियर अंडर सिमिलर कंडीशन, सेम कंडीशन के अंदर सेम बिहेवियर रहता है। अब इसमें एक्यूमुलेटर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो ब्लैडर टाइप का होता है, एक डायफ्राम टाइप का होता है। अगर हम ब्लैडर टाइप का देखें तो इसमें जो है कॉम्प्रेस रेशियो इज लिमिटेड टू 4:1 होता है, एंड समटाइम्स इसमें लिमिटेशन में ब्लैडर फेलियर के भी इश्यूज होते हैं। अभी हम यहाँ पे ब्लैडर वाला कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये एक्यूमुलेटर है विदाउट प्रेशर गेज, यहाँ पे ये ब्लैडर है इसका, यहाँ पे ये इसकी पिन है। जब हम इसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं तो ये नाइट्रोजन फिल गैस ऐसे ब्लैडर को पूरा फुला देता है और ये पिन लॉक हो जाती है। जब यहाँ से ऑयल का प्रेशर, यहाँ से ऑयल आता है तो ये ब्लैडर स्क्वीज हो जाता है, एंड उसकी वजह से, स्क्वीज होने की वजह से यहाँ पे ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर इस पूरे उसमें बना हुआ रहता है। अभी हम देखते हैं दूसरे तरीके का है, ब्लैडर टाइप हमने देखा था, दूसरा डायफ्राम टाइप एक्यूमुलेटर। ये क्या है, ये तो और कॉम्पैक्ट टाइप का एक्यूमुलेटर है, जो कि अगर हम देखें तो ये इसमें मेन डिफरेंस है ब्लैडर और एक्यूमुलेटर एंड डायफ्राम में, इसकी जो कंप्रेसिव रेशियो है वो 8:1 है, जो कि हमने पहले 4:1 देखा था, और इसका साइज भी छोटा है। तो इसमें क्या होता है, ब्लैडर की जगह डायफ्राम होता है। जो हमने लिमिटेशंस की बात करी थी कि ब्लैडर कई बार लीक हो जाता है, फट जाता है, तो यहाँ पे ये डायफ्राम उसकी जगह पे आ जाता है, और ये डायफ्राम की वजह से ऑयल के अंदर प्रेशर मेंटेन रहता है। तो दिस इज अबाउट द एक्यूमुलेटर। Thank you for watching. Don't forget to share it, comment it, subscribe it. And आज मेरे एंड में एक क्वेश्चन है कि मुझे ये बताइए कि हम जो है नाइट्रोजन गैस और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, हमारी कहीं लाइफ में कहीं आप लोगों ने कोई एग्जाम्पल देखा है जिसमें कि हम नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं, प्लीज कमेंट करिए कि कहाँ कहाँ पे हमने नाइट्रोजन गैस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जहाँ पे आपने देखा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।